अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन निकले हैं फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। तो वीडियो में हम बात करेंगे हम कोर्स के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन इसमें एलिजिबल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो ये है नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से। तो यहाँ पर ये इनवाइट करे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो अपेयर होने चाहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 में फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेस के लिए फॉर एकेडमिक सेशन 2021। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेस के लिए तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में तभी आप एडमिशन ले सकते हो इन कोर्स में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म कब से आप भर सकते हो, जहाँ पर डेट्स दिए गए हैं 19 जुलाई 2021 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो लास्ट डेट जो है 7 अगस्त 2021। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है वो है ₹1000 आपको पेड करने हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू आपको पे करना है ऑनलाइन। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सिलेबस वो दिया गया है, ई इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है, प्रॉस्पेक्ट जो है, तो ये आप डाउनलोड करें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वेबसाइट से। लिंक में डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, वहाँ से आप ये प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड करें। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है अलग से नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है तो आपको क्या अपलोड करना है, तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आप तो फिर आपको यहां से स्कैनड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या सिर्फ एटेस्टेड सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। और जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, साइज होना चाहिए 100 से लेकर 200 KB के दरमियान होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। वहाँ पर मेंशन करना है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करोगे काउंसलिंग के टाइम। कैंडिडेट्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख जो है एसटी सर्टिफिकेट जो उनके पास है वो कंसिडर की जाएगी एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10+2 मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर मेट्रिकुलेशन अपलोड करनी है, रिजर्व कैटगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है अगर आप इसमें आते हो, और साथ ही आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन JPEG फॉर्मेट में, साइज जो दिया गया है 10 से लेकर 50 KB के दरमियान। तो यहाँ पर हम कोर्स की बात करेंगे, हम एलिजिबिलिटी जो रखी गई बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, तो कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ यूटी JNK का होना चाहिए, क्वालिफिकेशन जो है 10+2 कैंडिडेट ने पास किया हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। और यहाँ पर जो परसेंटेज रखी गई है वो है 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। जिन कैंडिडेट्स का 10+2 में अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका जो है 10+2 का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए एंट्रेंस रिजल्ट से पहले। अगर उनका रिजल्ट तब तक डिक्लेयर नहीं हुआ तो उनका जो एंट्रेंस टेस्ट जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड रखा जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 कैंडिडेट ने पास किया हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और 50% मार्क्स रखे गए ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए और 40% मार्क्स रखे गए रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो रखी गई फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए इन सिक्किम, सोरा, श्रीनगर, तो यहाँ पर 10+2 कैंडिडेट ने पास किया हो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए और 40% मार्क्स रखे गए फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो है 10-2 नंबर ऑफ सीट, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब कुछ दिया गया है और सिलेबस भी दिया गया है जो प्रॉस्पेक्ट है, तो आप ये डाउनलोड करें जेके बोपी की वेबसाइट से। यहाँ पर एग्जाम की बात करेंगे हम, टोटल आवर्स होंगे 3 आवर्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 180 क्वेश्चंस, तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, ठीक। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने होंगे जब आपको एडमिशन करना होगा आपकी सिलेक्शन के बाद, तो ये आपको पता है 10+2 मार्क्स कार्ड, DOB सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप इसमें आते हो, और एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जम्मू और श्रीनगर में, जो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी
10+2 में जो आपकी परसेंटेज होगी उसी के बिना पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं चैनल की वीडियोस आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।